हेलो दोस्तों वेलकम टू ओ चैनल आज हम चैनल के माध्यम से सीखने वाले हैं कि चार्ट एक्सेल के अंदर चार्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और चार्ट कैसे बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले क्या करना होगा आपको एक इस तरीके से डेटा बनाना होगा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ इस प्रकार से एक डेटा तैयार करना होगा कोई भी डेटा तैयार कर लीजिए जैसे कि मैंने चार्ट बनाने के लिए डेटा तैयार किया है कि एक तरफ़ मंथ लिखा है एक तरफ इंटरनेट यूज़र तो अब इसके बाद क्या करना होगा हम इंसर्ट में जाना है हमें इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट वाले सेक्शन में जाना होगा आपको चार्ट सेक्शन में जाकर अब यहाँ पर चार्ट बनाना है तो हमें क्या करना है सबसे पहले जैसे कि मैंने मंथ के नाम लिखे हैं और इंटरनेट यूज़र लिखे हैं कि कितने इंटरनेट किस महीने में यूज़ किया गया है इंटरनेट यूज़रों ने यूज़ किया है तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस टेबल को पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट में जाना है आपको चार्ट पर क्लिक करना है और आप किस प्रकार के चार्ट चाहते हैं यहाँ से उस पर क्लिक करना है जिस प्रकार के चार्ट आप चाहते हैं उस पर क्लिक करते ही वो चार्ट वैसा आ जाएगा ऑल चार्ट देखना है तो आपको यहाँ पर सारे कॉलम वाले चाहते हैं तो कॉलम पर जाइए और कॉलम वाले पर क्लिक कर देना है कॉलम में कैसा चाहिए तो मैंने कॉलम पर क्लिक कर दिया और उसके बाद ओके कर दूंगा तो यहाँ पर एक कॉलम चार्ट बन के आ गया तो आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ इस तरफ लिखे हैं और नीचे मंथ है ये जो आ किस महीने में कितने यूजर्स ने जो है यूज़ किया है इंटरनेट वो आ गया तो इस प्रकार से चार्ट बन गया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस चार्ट के ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं या इसके जो स्टाइल्स है वो चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखते रहे हैं कि स्टाइल में चेंजिंग आ गई थोड़ी सी फ़र्क आ गया ग्राफिक्स में चेंज आ गया ये करेंगे तो इस तरह के तरीके से आएगा आपको तो चार्ट स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं आप जो जो आपको स्टाइल अच्छा लगे वो आप स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से अब क्या हुआ इंटरनेट यूज़र जो है वो ग्राफ के ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है और नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है अगर मैं इसमें करता हूँ तो इधर यूजर्स जो है एक इस्टीमेट बन गया और यूज़र्स कितने किस महीने में कितने यूज हुए हैं उसके साथ आ गया नीचे नाम आ गया तो इस प्रकार से ये किस में कॉलम चार्ट के अंदर आया और यहाँ पर इसके चार्ट के टाइप्स आएंगे अभी अलग अलग टाइप्स के भी चार्ट आप देख सकते हैं ये तो मैंने आपको बताया सिंगल एक करके अब क्या करना है हमें जैसे कि दो तीन चीज़ों को कंपेयर करके दिखाना होता है और उसके लिए चार्ट बनाना है तो क्या करेंगे और कुछ का डेटा हमें लाना पड़ेगा तो वो कैसे लाएंगे हम डेटा तो डेटा आपको बनाना पड़ेगा तो मैं अभी फ़िलहाल इस कॉलम चार्ट को क्या करता हूँ हटा देता हूँ ठीक है और मैंने डेटा तैयार किया हुआ है इस तरीके से आपको भी डेटा तैयार करना होगा पहले से या ऑन द स्पॉट करना होगा मैंने आप लोगों को हाइट करना भी सिखाया था अनहाइट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा डेटा जो है सामने आ जाएगा जैसे ही अनहाइट करता हूँ करूँगा मैं तो हो गया और भी मैंने बना रखे हैं दोस्तों तीन एक और बनाया होगा चार बनाया है मैंने तो ये मेरे डेटा जो है हाइट हुए डेटा थे जिसको मैंने अनहाइट कर लिया अब हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं अब चार्ट जो है कंपैरिजन में बनाएंगे इस पूरे के तो हमने क्या किया पूरा के पूरा ये ए, सारे जो है कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया मंथ भी इंटरनेट यूज़र भी डेस्कटॉप यूज़र भी स्मार्ट यूज़र भी स्मार्ट मोबाइल यूज़र और स्मार्ट वॉच यूज़र को अब क्या करना है आपको यहाँ पर चार्ट में जाना है और चार्ट में जाने के बाद आप जिस प्रकार के चार्ट चाहते हैं जैसे ये कॉलम चार्ट है कॉलम और बार चार्ट है इसके साथ ही यहाँ पर कौन सा चार्ट दे रहे हैं इंसर्ट हैरे की चार्ट या फिर ये है इंसर्ट वाटरफॉल स्टॉक चार्ट तो सबसे पहले कॉलम एंड बार चार्ट पर क्लिक करते हैं तो इसमें पूछ रहे आपको टू में चाहिए थ्री में चाहिए या थ्री बार में चाहिए टू बार में थ्री कॉलम में तो कॉलम में चाहिए तो कॉलम पर कर सकते हैं इस तरीके से ये आएगा आपके सामने अगर हॉरीजेंटली करना चाहते हैं तो हॉरीजेंटली या वर्टिकली जैसा भी करना चाहेंगे कर सकते हैं जैसे मैं अभी इस पर करता हूँ ये वाला टू डी कॉलम टू डी कॉलम जैसे ही इस पर अप्लाई किया दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो चार्ट हमने बनाया है जिसका यहाँ पर थोड़ा सा जो जूमिंग इसका मैंने कम किया है ये टाइटल इस टाइटल भी आप दे सकते हैं अगर देना चाहें चार्ट का तो नहीं तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि इस प्रकार से ये जो है बन के आ गया है हमारे पास कि ये जो है मंथ आ गया नीचे के तरफ और यहाँ यूज़र्स के जो डेटा है अलग अलग कलर से ब्लू कलर से इंटरनेट यूज़र है और ऑरेंज कलर से डेस्कटॉप यूज़र और ये ग्रे कलर से स्मार्ट मोबाइल यूज़र और येलो कलर से जो है वो स्मार्ट वॉच यूज़र्स के डेटा आ गया तो इसमें भी अब आप चाहते हैं स्टाइल चेंज करना चार्ट का तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से जैसा भी चाहिए आपको उस टाइप से आप ले सकते हैं वो इस तरीके से आएगा अब चार्ट के स्टाइल में फिर से वापस हम जाते हैं या यहाँ से आप क्या कर सकते हैं लेआउट इसके जो है अभी चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं जैसा लेआउट चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर तो चार्ट में बहुत से वैरायटी है आप ऐसे यूज़ करके कर सकते हैं साथ ही इंसर्ट सर्ट ये जो है चार्ट के बारे में हम देख रहे हैं अब जैसे कि कॉलम वाला देखा लाइन वाला लाइन वाला चार्ट आप किस तरीके का लाइन का चाहते हैं ये लाइन इस तरीके का स्टॉक वाली लाइन या कुछ कंपैरिजन वाली लाइन इस तरीके के जिस तरीके का आप चाहेंगे उस तरीके का मिल जाएगा और ओके कर देना है आपको यहाँ पे ओके करते उस तरीके का चार्ट बना हुआ आ गया इस तरीके से जो है इन सभी का डेटा जो है कंपैरिजन करके आ रहा है इसी तरीके से और भी चार्ट के स्टाइल है जैसे कि जो नॉर्मली सबसे बेस्ट जो है पाई चार्ट यूज़ किया जाता है ज़्यादातर आ, अच्छा ये पाई चार्ट का होता है कैसे में चाहिए आपको भरे हुए में चाहिए या इस तरीके से जैसा भी चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है अब चार्ट आ जाएगा पाई चार्ट पाई चार्ट जैसे कि ये वाला जो आया कलर में मुझे इस तरीके से चाहिए तो ये वाला जो इंटरनेट यूज़र का चाहिए यहाँ पर किसका आया है इंटरनेट यूज़र का आया है ओनली पाई चार्ट कि इंटरनेट यूज़र का आ गया किस महीने में कितना यूज़ किया है इंटरनेट यूज़र ने ये एक का आया आप चाहते हैं डेस्कटॉप का तो डेस्कटॉप वाले के लिए आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं इंटरनेट यूज़र का है आप चाहते हैं चारों का है तो पाई चार्ट में क्या करना है सेलेक्ट करना है इंसर्ट में जाना है वापस और फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे पाई चार्ट में चले जाएंगे पाई चार्ट में जिसमें चाहिए टू में चाहिए, चाहिए थ्री में चाहिए जैसा भी चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है तो अभी जो है यहाँ पर पा पाई चार्ट किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वन जो है ये ट्वेल्व मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी सिर्फ एक किसके इंटरनेट यूज़र को दिखा रहा है क्योंकि ये पहले कॉलम को, को इसने एक्सेस किया है अगर आप चाहते हैं दूसरे कॉलम को दिखाना तो दूसरे वाले को इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाइए वापस फिर से और यहाँ से चार्ट पाई चार्ट लेना है तो पाई चार्ट पर क्लिक कीजिए टू डे थ्री डे जिस भी चाहिए आपको या इस तरीके से चाहिए जैसे चाहे उस पर क्लिक कर दीजिए वो आपको इस तरह दिखा देगा इसके स्टाइल में चेंजिंग चाहते हैं तो यहाँ से आप इस्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं जो स्टाइल चाहिए वो आप लगा सकते हैं इस तरीके से मतलब एक्सेल के अंदर आप ग्राफ का यूज करके और डेटा एक तैयार करके फिर उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आगे आता है इसी के अंदर इंसर्ट में और भी चार्ट है जैसे कि मैं स्मार्टफोन मोबाइल यूजर्स के डेटा को जो है चार्ट के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ मैं पूरे को दिखाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए क्या करेंगे हम यूज़ करते हैं अब हाँ, इसको कर देते हैं डिलीट और इस डेटा को लिया अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हमने पाई चार्ट यूज़ किया यहाँ पर इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट है लेकिन हम अब करते हैं ये वाला स्टैटिक चार्ट स्टैटिक चार्ट देखते हैं जैसे कि इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा या ये वाला जैसे कि देख पा रहे हैं कि अब इसका यानी कि चारों का ये बना है कैसे बना है ये देख पा रहे हैं कि नीचे डेट आ गए सॉरी मंथ आ गए और इस तरफ जो है जीरो से हंड्रेड परसेंट तक और ये बार ग्राफ काम कर रहा है और यहाँ पर स्टेटिक जोग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक वैल्यू के साथ अब इसमें भी कुछ आप चेंजिंग चाहते हैं और भी तो यहाँ से चार्ट स्टाइल में जाइए उस पर क्लिक कर दीजिए इसमें क्या हुआ इसमें थोड़ा सा कलर में चेंजिंग आया इसमें चेंज किया तो हमें क्या हुआ कि इसमें वैल्यूज़ आ गए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस महीने में कितने इंटरनेट यहाँ पर सर्कल एरो ले जाते ही बता रहा है कि इंटरनेट यूज़र कितने रहे हैं फिर इस सवाल पर जैसे ही जा रहे हैं उसमें इंटरनेट यूजर जनवरी का वेरीफाई कर दे रहा है इस तरीके से इंटरनेट यूजर का दिखा रहा है क्योंकि जो चार्ट बन रहा है वो एक का ही बन रहा है पूरे का नहीं बन रहा है पूरे का जो बनता है वो इसमें बनता है कंपैरिजन वाले में कॉलम चार्ट के अंदर कंपैरिजन में बनाता है ठीक है तो कॉलम का जब बनाएंगे तब ये पूरे के पूरे इस्तेमाल कर सकते हैं या बार चार्ट अगर बनाते हैं उसमें भी आपको तीनों को चारों को दिखाएगा बार चार्ट में कोई लेना चाहते हैं जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया ये वाला तो आप देख पा रहे हैं कि बार चार्ट में ये जो कंपैरिजन है चारों का आगे गया अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि चारों का कंपैरिजन ये दिखा रहा है अब यहाँ पर कि स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच का यूज़र जो है वो कितने हैं और स्मार्ट मोबाइल का यूज़र कितने हैं डेस्कटॉप यूज़र कितने हैं और इंटरनेट यूज़र कितने हैं चारों का आ रहा है तो ग्राफ जो है वो कुछ ग्राफ में पूरा डेटा को हम दिखा सकते हैं कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल डेटा को हमें दिखाना होता है ठीक है दोस्तों अब इसी के अंदर आता है एरिया चार्ट एरिया चार्ट कुछ इस टाइप से होते हैं एरिया इस कवर करके दिखाता है एक्स वाई यानी कि स्केटर चार्ट यानी कि डॉटेड वाले होते हैं जैसे डॉटेड बना के दिखाएगा कि किस पॉइंट पर कितना वैल्यू जो है आपको मतलब यूज़ हुआ है यहाँ पर जैसे इसमें आप किसका दिखा रहा है ये अलग अलग कलर से है और ये वैल्यूज बता रहा है इसमें हम पॉइंट ले, ले लेते हैं ये ले लिया हमने तो वो बता रहा है कि अलग अलग जो है स्टाइल लिया है तो वो बता रहा है आपको कि कब कब पॉइंट के माध्यम से बता रहा है इसमें इसी तरीके से चार्ट के अंदर और भी चार्ट होते हैं सरफेस चार्ट है रेडार चार्ट है रेडार की तरह दिखाया गया थ्री मैप चार्ट है तो हिस्टोग्राम चार्ट हिस्टोग्राम चार्ट में इस तरीके से हिस्टोग्राम आपने बनाया होगा मैथ में वाटरफॉल चार्ट मतलब एक वाटरफॉल चार्ट का ही है जैसे कि मैं ओके करता हूँ इस पर वाटरफॉल इंटरनेट यूज़र जो है मतलब एक ग्राफिक्स यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप यूज़र स्मार्ट मोबाइल यूजर और स्मार्ट वॉच यूज़र इस तरीके से वाटरफॉल यानी कि वाटर के उसमें दिखा रहे हैं जैसे कि पहले नीचे फिर ऊपर 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 इस तरीके से मतलब कि दिखा ग्राफिकली उसी चीज़ को रहा है लेकिन जो जैसे कि ये वाला जो है इंटरनेट यूज़र दो से लेकर छः के बीच में ही है यानी कि दो से लेकर छः के बीच में कहने का मतलब ट्वेंटी थाउजेंड से लेकर सिक्सटी थाउजेंड के बीच में जो है हाईएस्ट यूज़र जो गए हैं इसके वो रहे हैं इसलिए वो जो जो दिखा रहा है वो इतने के अंदर इंटरनेट यूजर को दिखा दिया अगले में इसको दिखाया है तो इस प्रकार से आप ग्राफिकली यूजर जो है वाटरफॉल चार्ट भी लगा के कर सकते हैं कॉम्बो कुछ करना चाहते हैं तो कॉम्बो इस पर अभी काम नहीं कर रहा तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सेल के अंदर चार्टों का यूज़ करके अलग अलग चार्ट बना सकते हैं अलग अलग चार्ट के यूज़ कर कर उनको अपने एक्सेल सीट में जो चार्ट तैयार कर रहे हैं उसको दिखा सकते हैं कॉलम चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट कोई भी जो चार्ट आपको यूज़ करना है उसको लीजिए यहाँ से और यूज़ कीजिए और साथ ही उसके हिसाब से बनाइए पाई चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट होता है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके का जो हम लेते हैं परसेंटेज में इसमें हम दिखा सकते हैं कि कौन से उसमें यहाँ जैसे कि इंटरनेट यूज़र जो है कितने परसेंट है डेस्कटॉप यूज़र कितने परसेंट है स्मार्ट मोबाइल यूज़र कितने परसेंट है स्मार्ट वॉच यूज़र कितने परसेंट है तो चारों डेटा को ये जो है एक साथ दिखा रहा है कि कौन से मतलब कि डेटा के कितने यूज़र जो है, हैं कौन से उसमें हैं यहाँ पर इस तरीके से ग्राफिकली और भी इसको आइडेंटिफाई करके दिखाना है तो यहाँ से स्टाइल में जाइए स्टाइल इसके चेंज कर लीजिए इस तरीके से दिखा सकते हैं तो बहुत से जो है चार्ट के तरीके होते हैं जिसमें आप इनको दिखा सकते हैं और चाट यूज़ करके एक्सेल में आप अच्छा से अच्छा चार्ट जो है तैयार कर सकते हैं और किसी भी काम के लिए चार्ट बनाना हो आप इस तरीके से चार्ट को तैयार कीजिए और अपने स्कूल या फिर अपने काम में इसका यूज़ कर सकते हैं तो मैंने आप सभी को आज इनसे एक्सेल के अंदर इंसर्ट के अंदर जाके और चार्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया दोस्तों हिस्टोग्राम चार्ट हो ही गया एक बार ये चार्ट है थ्री मैप थ्री मैप चार्ट इस तरीके से आएगा जो भी डेटा है उसके इस तरीके से है चाहे इस तरीके से अलग अलग वो कैटर कैटेग कर, कर दे रहा है तो यहाँ पर बहुत से चार्ट मिलते हैं आपको जो भी चार्ट कॉम्बो चार्ट लेना है तो कॉम्बो में जैसे कि ये वाला है तो बहुत ही अडजस्ट में मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही थोड़ी लेकिन इसलिए सिंगल सिंगल चार्ट का यूज़ कीजिए कम डेटा होता है तो हम क्या करते हैं यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं ए, कॉम्बो के लिए अगर करना है मुझे तो मैं क्या करता हूँ इंटरनेट और डेस्कटॉप यूजर का डेटा लेता हूँ ओनली और मैं जाता हूँ अब कॉम्बो चार्ट में दो का ही देखता हूँ और दो को दिखाने में बहुत अच्छा मतलब देखने में अच्छा लगेगा दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब मैंने कॉम्बो चार्ट का यहाँ पर बनाया है तो दो का इंटरनेट यूज़र जो है उसने कैसे दिखा दिया ये बा उससे दिखा दिया कॉलम से और साथ के साथ ये जो है लाइन अप डाउन स्टैटिक उससे दिखा दिया इसने डेस्कटॉप यूज़र को तो कम में दिखाने के लिए दो डेटा या सिंगल डेटा या थ्री डेटा को दिखाने के लिए कम में है तो अच्छा है तो आप जो यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से चार्ट बहुत से मिलते हैं इन चार्टों का इस्तेमाल करना मैंने आपको बताया है कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए सबसे सब पहले एक डेटा तैयार होना चाहिए आपके पास उसके बाद उस डेटा को सेलेक्ट करना होता है जिन जिन डेटा को जिस चार्ट में दिखाना है और उसके बाद उस पर चार्ट अप्लाई करते जाइए ऑटोमेटिक जो है चार्ट तैयार होता रहेगा और इस तरीके से एक्सल चार्ट का जो है आज क्लास समाप्त होती है और आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो